नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। गांव के साथ साथ शहरी लोगों को सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के कई राज्यों में छत पर बागवानी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे शहरी आबादी को न सिर्फ ताजी बल्कि जैविक सब्जियाँ मिल सके। इसी को और बढ़ावा देने के लिए अब बिहार कृषि विभाग ने शहरी आबादी के लिए छत पर बागवानी योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छत पर बागवानी करने वाले लोगों को लागत का 50% यानी कि कम से कम 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार के कुछ जिलों में इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल इस योजना को राज्य के मुजफ्फरपुर, नालंदा, भागलपुर, गया और पटना जिलों में संचालित किया जा रहा है। जिनके पास अपना घर है या जो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, केवल वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। छत पर बागवानी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक उद्यान निदेशालय की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र सरकार मछली पालकों को सस्ते कर्ज के साथ कई और चीजों पर छूट देने का विचार कर रही है, जिसके लिए जल्द ही राष्ट्रीय मत्स्य नीति लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ खबरों की माने तो केंद्र सरकार किसानों के साथ साथ मछली पालकों की आय में भी इजाफा करने के लिए उन्हें सस्ती दर पर कर्ज देने की योजना बना रही है। इसके अलावा नई राष्ट्रीय मत्स्य नीति में मछली पालन के साथ ही मार्केट उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, तो वहीं इसके तहत मत्स्य पालन को कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा बीमा कवर देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं समुद्री नीति को बढ़ावा और तटीय क्षेत्र के विकास पर पूरा फोकस रखा गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के दक्षिण भारत समेत देश के कई अन्य राज्यों में मछली पालन के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने की संभावनाएं हैं। जहां एक तरफ साल 2022 तक केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में सोच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों अरहर किसान नुकसान के तले दबा जा रहा है। अरहर किसान अपनी फसल मंडियों में MSP से 700 से 800 रुपए नीचे भाव पर बेचने को मजबूर है, तो वहीं उपभोक्ता अभी भी 80 से 100 रुपए प्रति किलो के दाम पर ही अरहर दाल खरीद रहे हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2019 से 20 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 5800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, मगर उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को बेंगलुरु में अरहर दाल का भाव 96 रुपए, हैदराबाद में 85 रुपए, सोलन में 93 रुपए और भटिंडा में 86 रुपए प्रति किलो रहा है। तो वहीं नेफेड तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के साथ ही आंध्र प्रदेश की मंडियों से अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीद तो कर रही है, लेकिन खरीद नाम मात्र ही हो रही है। नेफेड के अनुसार 13 फरवरी तक इन राज्यों से 46,274 टन अरहर की खरीद की गई है, मगर इसके बावजूद भी अरहर किसानों को अपनी फसल MSP से नीचे दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी हम आप तक समय से पहुंचा सकें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।